अस्सलाम वालेकुम। होपफुली बेटा यू विल बी एंजॉइंग योर गुड हेल्थ एंड आई वेलकम यू ऑल इन मेरिट स्कूलिंग सिस्टम एंड कॉलेज फर्स्ट ईयर ऑनलाइन क्लास। वी हैव अ ग्रेट गैप, वी डिडंट हैव क्लास फॉर लास्ट कपल ऑफ डेज बिकॉज ऑफ सम इलनेस। बेटा नाउ ऑनवर्ड्स वी विल हैव रेगुलर क्लासेस। लास्ट टाइम वी हैव कंप्लीटेड आवर लेसन रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ यूथ। I'll send its MCQs and remaining notes will be sent later on. ठीक है? And beta, our next chapter is his first flight. Okay? Inshallah, now onwards we'll have regular classes on the regular basis. Our next chapter is lesson number 2, his first flight. उसकी पहली उड़ान. ठीक है beta? Before going to the lesson, I'd like to introduce you with the writer of the lesson. A writer of the lesson is Lyme O'Flaherty. Okay, Lyme O'Flaherty. Who was he? Lyme O'Flaherty. He was born in 1896 and died in 1984. And he was Irish novelist. So who was he, beta? He was Irish novelist. Was born in the Aran Island, County Galway, and educated at University College Dublin. ठीक है, he got educated from Dublin College. He was leading Irish novelist of the early 20th century. Okay, beta, and his works are characterized by stark neutralism, naturalism, psychological analysis, and powerful drama. Okay, among his books, Thy Neighbor's Wife, The Informer, short stories, Revised Land, and Two Lovely Beasts, and other stories, Insurrection, and The Peddler's Revenge, and other stories. His autobiography, Shame the Devil, was published in 1934. अच्छा बेटा, ये इसके कुछ वर्क्स की बात हमें बताता है कि ये इसके जो मैंने अभी आपको पढ़ के सुनाए हैं, ये इसके फेमस वर्क्स थे। तो ये कहाँ से था? ये आयरिश नॉवलिस्ट है बेसिकली, एंड ही गॉट एजुकेटेड फ्रॉम द डबलिन कॉलेज। ओके, लेट्स कम टू द टाइटल, हिज फर्स्ट फ्लाइट। बेटा योर टाइटल रिवील्स यू अ लॉट ऑफ थिंग्स। ओके, वेन यू रीड द टाइटल यू कम टू नो वट वुड बी अबाउट दिस होल लेसन। ठीक है, सो हिज फर्स्ट फ्लाइट, वट ही सेज, लेट सी वट ही टॉक्स अबाउट इन द लेसन इन हिज फर्स्ट फ्लाइट। ओपन पेज नंबर 14। ओके, सो ही सेज द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। कहता है कि वो नन्ना समुद्री बगला अपने घोंसले में, यानी चट्टान पे अकेला था। बेटा लेज कहते हैं चट्टान का थोड़ा सा हमवार हिस्सा। एज वी ऑलवेज सी, हम देखते हैं कि परिंदों ने बेटा चट्टानों में होल से, सुराग से बनाए होते हैं, और उनके आगे थोड़ा सा एक हमवार सा हिस्सा होता है जिसको हम क्या कहते हैं, लेज। द यंग सीगल कहते हैं समुद्री बगले को। ठीक है, कहता है वो नन्ना समुद्री बगला वॉज एलोन, अकेला था, ऑन हिज लेज, अपने उस घोंसले पे। हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर। उसके दो भाई और उसकी बहन एक दिन कबल ही उड़कर चले गए थे। ठीक है, ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम, और वो उनके साथ उड़ते हुए डरता था। सम हाउ, सो किसी न किसी तरह, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. कहता है किसी न किसी तरह जब वो थोड़ा सा दौड़ कर चट्टान के अगले निकले हुए से, ठीक है, brink किनारे को कहते हैं, थोड़े से किनारे की तरफ भागा, तो किनारे तक आता तो वो क्या करता और अपने परों को फड़फड़ाने की कोशिश करता, तो वो डर कर घबरा जाता। ठीक है, अगेन सुन लें, somehow, so किसी न किसी तरह, when he had taken a little run forward, जब वो थोड़ा सा भाग के आगे आता, to the brink, किनारे की तरफ, of the ledge, उस घोंसले के, and attempted to flap his wings, और अपने परों को फड़फड़ाने की कोशिश करता, he became afraid, वो घबरा जाता, वो डर जाता था। अच्छा, the, किस से डर जाता था? The great expanse of sea stretched down beneath, and it was such a long way down, miles down. अब क्या कहता है, किस से घबराता था? नीचे समंदर का वो जो एक बहुत वसी इलाका था, यानी नीचे बहुत ज्यादा बहुत बड़े इलाके पर समंदर फैला हुआ था, उससे वो डर जाता था।
और क्या करता था जी, एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, और कहता है ये इतना नीचे दूर था कि मीलों तक नीचे फैला हुआ था, इज दैट क्लियर। कहता है कि यानी वो समुंदर का फासला इतना ज्यादा था कि वो मीलों नीचे था, सो इस वजह से जब उस गहराई को देखता था सो वो डर के दोबारा अपने घोंसले की तरफ भाग जाता। ही फेल्ट सर्टन, उसे ये यकीन था दैट के हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, कि उसके पर जो हैं, उसके पंख जो हैं, वो उसका कभी भी उसको सहारा नहीं दे सकेंगे। सो ही बेंड हिज हेड, तो हम उसने अपना सर झुकाया एंड रैन अवे, और वापस भाग गया बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, उस छोटे से सुराख की जानेब जहां पे उसने पिछली रात गुजारी थी, या जहां पे वो पिछली रात गुजर जाने वाली रात को सोया था। इवन वेन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड हिज लिटिल सिस्टर, कहता है हत्ता के जब उसका उसके छोटे भाई और उसकी बहन जो थी, कहां से है जी, एंड हिज लिटिल सिस्टर हुज विंग्स वर फार शॉर्टर देन हिज ओन, कि जिनके पर जिनके पंख जो हैं वो इससे भी कहीं ज्यादा छोटे थे, रैन टू द ब्रिंग, वो किनारे तक आए, किनारे की तरफ दौड़े, फ्लैप देयर विंग्स, उन्होंने अपने पर फड़फड़ाए एंड फ्ली अवे, और उड़ चले गए। ही फेल्ड टू मस्टर अप करेज, ही फेल्ड, वो नाकाम रहा टू मस्टर अप करेज। अब मस्टर अप का क्या मतलब होता है बेटा, हिम्मत जताना, ठीक है। ही फेल्ड, वो नाकाम रहा टू मस्टर अप करेज, हौसला जताने में, टू टेक दैट प्लंज, वो पहला गोता लगाने के लिए, प्लंज कहते हैं वैसे कहते हैं गोता लगाने के, यहां पे क्या मतलब होगा, हवा में अपनी छलांग लगाने में वो नाकाम रहा। विच अपीयर टू हिम सो डेस्परेट, अब वो उसे कैसा लगता था, जो उसे जान से खेल जाने वाला लग रहा था, यानी जिससे उसको मायूसी होती थी, ठीक है, डेस्परेट कहते हैं मायूस को। अच्छा, अब क्या कहते हैं, हिज फादर एंड मदर, उसकी माँ और बाप, हैड कम अराउंड कॉलिंग टू हिम श्रीली, उसका बाप और माँ मुड़कर आ गए थे, चीख चीख कर उसे आवाजें दे रहे थे। हिज मदर एंड फादर, उसका माँ और बाप, हैड कम अराउंड, वो वापस आ गए थे, कॉलिंग हिम श्रीली, उसे चीख चीख के पुकार रहे थे, अपब्रेडिंग हिम, अपब्रेडिंग का मतलब बेटा होता है डांट डपट करना, ठीक है, थ्रेटनिंग, किसी को थ्रेटन करना, किसी को किसी चीज की धमकी देना। अब क्या वो दे रहे थे, उसको क्या कह रहे थे, उसे चीष्टी की बुला रहे थे, अपब्रेडिंग हिम, उसे बुरा भला कह रहे थे। अब आगे क्या कह रहे थे, थ्रेटनिंग हिम, उसे ये धमकी दे रहे थे, टू लेट हिम स्टार्व, कि वो उसे भूखा छोड़ेंगे, ऑन हिज लेज, उसके घोंसले पर, अनलेस, उस वक्त तक, ही फ्ल्यू अवे, जब तक वो उड़ नहीं जाता, बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन कहता है कि इस भरपूर कोशिश के बावजूद भी वो हिल नहीं सकता था, वो उड़ नहीं सकता था, उसे अपनी जिंदगी का डर था, वो इस कदर घबराया हुआ था कि वो सोचता था कि अगर मैं यहां से उड़ान भरूंगा तो मैं गिर जाऊंगा समुद्र में, और मैं ये मेरे पर मेरा साथ नहीं देंगे। बेटा फर्स्ट, अब हमारा जो पैराग्राफ है जो कंप्लीट हुआ है, इसमें राइटर हमें क्या बताना चाहता है, इसमें हमें इंट्रोड्यूस कराता है राइटर, हमारे साथ कैरेक्टर कौन कौन से इंट्रोड्यूस होते हैं जी, वन इज यंग सीगल, अदर्स आर पेरेंट्स, ओके, एंड द अदर कैरेक्टर्स आर वन सिस्टर एंड टू ब्रदर्स, ओके, दीज आर द कैरेक्टर्स वी हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड टू, एंड बेटा इट्स अ सॉर्ट ऑफ स्टोरी, ओके, एंड स्टोरी हमेशा किस में होती है, पास्ट में, इसका टेंस कौन सा है, पास्ट, ठीक है। अब हमें इंट्रोड्यूस करवाता है स्टोरी से, यानी एक बगला था जो अपने घोंसले से उड़ान नहीं भर पा रहा था, जिसके माँ जिसके जिसके छोटे बहन भाई वहां से एक दिन पहले उड़ चुके थे, और उसके माँ बाप क्या कहते थे, वो उसको बार बार आके चीख चीख के बुला रहे थे, बुरा भला कह रहे थे, धमकियां दे रहे थे कि हम तुम्हें यहाँ पे कुछ खाने को नहीं देंगे जब तक कि तुम उड़ोगे नहीं, लेकिन वो इतना सहमा हुआ था, इतना फियरफुल था, दैट ही कुडंट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुडंट मूव, कि अपनी जिंदगी की खातिर वो वहां से मूव नहीं कर सकता था, हिल नहीं पा रहा था। अच्छा, नाउ व्हाट ही सेज नेक्स्ट, ही सेज दैट वाज 24 आवर्स एगो, कहता है 24 घंटे गुजर चुके थे, ये 24 घंटे पहले की बात थी, 24 घंटे गुजर चुके थे, सिंस देन नोबडी हैड कम नियर टू हिम, कहता है इन 24 घंटों से, उस वक्त से कोई भी उसके करीब नहीं आया था,
The day before, एक दिन कबल ही, all day long, सारा दिन, he had watched his parents, वो अपने माँ बाप को, he had watched his parents flying about with his brothers and sister, वो अपने माँ बाप को और अपने भाई बहन भाइयों के साथ इधर उधर उड़ता, उस वो देख रहा था, perfecting them in the art of flight, जो कि उनको उड़ने का ये फन सिखा रहे थे, teaching them, उन्हें ये बतला रहे थे, ये सिखा रहे थे कि हाउ टू स्किम द वेव्स एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, क्या सिखा रहे थे कि लहरों को छूते हुए किस तरह गुजारा जाता है और किस तरह मछलियों को पकड़ने के लिए पानी में गोता लगाया जाता है, ठीक है, स्किम द वेव्स एंड हाउ टू डाइव द फिश। ही हैड इनफैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हेरिंग एंड डिवोर इट। ही हैड उसने इनफैक्ट दर हकीकत सीन देखा था हिज ओल्डर ब्रदर अपने बड़े भाई को टू कैच हिज फर्स्ट हेरिंग कि उसने मच्छी पकड़ी, मछली को पकड़ते हुए एंड डिवोर इट और उसे निगलते हुए, बेटा डिवोर कहते हैं निगल जाना, खा जाना, स्टैंडिंग ऑन अ रॉक उस चट्टान पे खड़े हुए, विच व्हाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल। अब क्या कहता है, उसने अपने बड़े भाई को देखा कि उसने एक मछली पकड़ी और उसे निगल गया, जबकि उस दौरान उसके माँ बाप फखर के साथ, ठीक है, सर्कल अराउंड, वो फखर के साथ इर्द गिर्द उड़ रहे थे एंड प्राउड कैकल और कड़कड़ा रहे थे, बोल रहे थे, काहे काहे कर रहे थे, ठीक है, बुलंद आवाज में, जबकि ये क्या कर रहा था, स्टैंडिंग ऑन द रॉक उसी चट्टान पे खड़ा था। एंड ऑल द मॉर्निंग और तमाम सुबह द होल फैमिली तमाम उसका जो घर था सारा जो कुंबा था हैड वॉक्ड अबाउट ऑन अ बिग प्लेटू मिडवे डाउन द ऑपोजिट क्लिफ टॉन्टिंग हिम फॉर हिज कवर्डिस। कहता है और सारी सुबह उसका जो सारा कुंबा था बेटा, सारी जो फैमिली थी वो सामने वाली अमूदी चट्टान के दरमियान में, मिडवे दरमियान में जो सतह मुर्तफा पर घूम रहा था, कहता है कि उस पे वो सारी फैमिली बैठी रही और उसे टॉन्टिंग ताने देते रहे फॉर हिज कवर्डिस उसकी बुजदिली के। बेटा आई रिपीट इट अगेन, एंड ऑल द मॉर्निंग और तमाम सुबह द होल फैमिली तमाम कुंबा हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेटू मिडवे डाउन सामने वाली उस अमूदी चट्टान के दरमियान में घूमते रहे द अपोजिट क्लिफ मुखालत वाली चट्टान में टॉन्टिंग हिम ताने देते हुए फॉर हिज कवर्डिस उसकी बुजदिली के, ठीक है। अब बेटा यहां पे हमारा सेकंड पैराग्राफ भी कंप्लीट हो जाता है। अब इसमें हमें क्या कहता है, फर्स्ट हमें उसने कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करवाए दैट हाउ मेनी कैरेक्टर्स वर देयर इन द स्टोरी, सो देन ही टेल्स अस द स्टोरी, सो व्हाट हैड हैपेंड द प्रीवियस डे, ओके, आफ्टर 24 आवर्स व्हेन हिज ब्रदर एंड सिस्टर फ्लू अवे विद हिज मदर एंड फादर, सो देयर पेरेंट्स वर परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट एंड दे वर टेलिंग देम हाउ टू स्किम द वेव्स एंड हाउ टू डाइव, ओके। देन ही सॉ हिज ब्रदर, हिज ओल्डर ब्रदर हु कॉट हिज फर्स्ट herring, it's a fish, okay, and he devoured it and he had eaten that, okay, then they all went to the opposite cliff and they all taunted him for his cowardice. Iske behan bhai tamam jo kumbha tha wo samne wali chitan pe gaye aur ise iski buzdili ke liye bura bhala kehte rahe. Is it clear beta? Okay, come to the next paragraph. So what he says, the sun was now ascending the sky, blazing warmly on his ledge that faced the south. But what he says in this paragraph, so he's of the view that the sun was now ascending the sky, suraj ab asman par buland ho raha tha, blazing warmly, aur dhoop sakhti on his ledge, uske ghonsle pe, that faced the south, जो के जुनूब की जानिब था। इज दैट क्लियर? आई रिपीट इट अगेन, नाउ लिसन केयरफुली। कहता है कि सूरज अब आसमान पर बुलंद हो रहा था एंड कहता है चट्टान के निकले हुए से पे लेज जिसका मैंने आपको बताया था, कहता है यानी इसका घोंसला, जैसे हम इन कॉमन वर्ड वी कैन कॉल इट नेस्ट लेज, ओके। कहता है अब उसके घोंसले पे
खूब गर्मी थी, यानी बहुत ज्यादा गर्मी थी। ब्लेजिंग वार्मली कहते हैं कि बहुत ज्यादा गर्म होना, ठीक है। कहता है अब बहुत ज्यादा गर्मी थी उसकी घोंसले पे, जो कि जुनूब की तरफ से उसे महसूस हो रही थी। ही फेल्ट द हीट, उसे अब गर्मी महसूस हो रही थी, बिकॉज क्योंकि ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल, क्योंकि उसने गुज़िश्ता शब से अब तक कुछ भी नहीं खाया था। प्रीवियस मीन गुज़िश्ता, नाइट फॉल रात से। देन फिर ही हैड फाउंड अ ड्राइड पीस ऑफ मैकेरल्स टेल एट द फोर एंड ऑफ हिज लेज। कहता है फिर इसे एक रेजा, सॉरी कहां पे जी, देन ही हैड फाउंड, फिर उसे मिला अ ड्राइड पीस, एक खुश जर्रा ऑफ मैकेरल्स टेल। मैकेरल बेटा मछली का नाम है। कहता है फिर इसे एक खुश मकैरल मछली की दुम का हिस्सा मिला, एट द फॉर एंड ऑफ हिज लेज, अपने घोंसले के दूर कोने पे। नाउ अब देयर वाज नॉट अ सिंगल स्क्रैप ऑफ फूड लेफ्ट, अब खुराक का एक जर्रा भी, एक रेजा भी नहीं बचा था। ही हैड सर्च्ड एवरी इंच, उसने चपा चपा छाना, रूटिंग अमंग अमंग द रफ डर्ट केक स्ट्रॉ नेस्ट वे ही एंड हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर हैड बिन हैच्ड। बेटा हैच्ड का सुन लें, व्हाट डू यू मीन बाय हैच? हैच कहते हैं जब ये परिंदों के अंडों से बच्चे निकलते हैं, इसको हैचिंग प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। अब क्या कहते हैं जी कि यानी अब खुराक का एक जर्रा भी नहीं बचा था, तो क्या हुआ? उसने गर्द आलू तिनकों के घोंसे को चोंच से खोद खोद कर चप्पा चप्पा छान मारा, जहां उसके भाई और उसकी बहन अंडों से निकले, यानी पैदा हुए थे। अब बेटा डर्ट केक स्ट्रॉ किसे कहते हैं? डर्ट केक स्ट्रॉ का मतलब है वो धब्बेदार स्ट्रॉ कहते हैं इस इन तिनकों वगैरह को। डर्ट कहते हैं उस गंदी जगह को, ठीक है, गलाजत को। कहते हैं वो जो गलाजत से भरे, वो जो तिनके थे, इवन के उसको भी इसने चोंच मार मार के चप्पा चप्पा छान मारा। लेकिन जहां पे ये और इसका इसके बहन भाइयों ने जन्म लिया था, जहां ये पैदा हुए थे, वहां पे भी उसको अब खाने के लिए कुछ ना मिला। ही इवन नॉट एट ड्राइड पीसेस ऑफ स्पॉटेड एग शेल। अब कहता है ही उसने इवन हत्ता के नॉट चोंच मार, नॉक कहते हैं बेटा चोंच मारना, ठीक है, जमीन पे कुतरना, चोंच मारना। ही इवन नॉट एट अ ड्राइड पीसेस ऑफ द स्पॉटेड एग शेल, उसने खत्ता के उन अंडे के धब्बेदार छिलकों को भी चोंच मारी, उनको कुतरा। इट वॉज लाइक ईटिंग पार्ट ऑफ हिमसेल्फ, ये ऐसे ही था जैसे अपने हिस्से को खाया जाए, अपने जिस्म को खाया जाए, ठीक है। ही हैड देन ट्रॉटेड बैक एंड फोर्थ फ्रॉम वन एंड ऑफ द लेज टू द अदर। कहता है ही हैड देन, उसने फिर तब ट्रॉटेड बैक एंड फोर्थ, वो आगे पीछे परेशानी में घूमने लगा, फ्रॉम वन एंड ऑफ द लेज टू द अदर, उस घोंसले के, उस लेज के, उस चट्टान के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक। हिज ग्रे बॉडी द कलर ऑफ द क्लिफ। अब कहता है उसकी जो सुरमई या खाकस्तरी बदन था, चट्टान के रंग सा, यानी हिज ग्रे बॉडी, उसका सुरमई बदन, द कलर ऑफ द चट्टान, जो कि उस क्लिफ यानी उस पहाड़ी का या उस चट्टान का रंग था। हिज लॉन्ग ग्रे लेग्स स्टेपिंग डेंटली, उसकी लंबी हाक्स्त्री टांगें स्टेपिंग डेंटली आहिस्ता आहिस्ता से आगे बढ़ी थी, ट्राइंग टू फाइंड, ये कोशिश कर रही थी सम मीन्स ऑफ रीचिंग हिज पेरेंट्स, कि वो किसी ना किसी तरीके से अपने वालदेन तक पहुंचे, विदाउट हैविंग टू फ्लाई, बगैर उड़े। बट ऑन ई साइड ऑफ हिम द लेज एंडेड इन अ शियर फॉल ऑफ प्रेसिपी। अब बेटा बेटा प्रेसिपी कहते हैं अमूदी चट्टान, ठीक है, ढलवान को, चट्टान को, अमूदी बिल्कुल तीखी चट्टान को कहते हैं। कहते हैं लेकिन उसके हर एक साइड उसका घोंसा कैसे खत्म होता था, एक शियर फॉल ऑफ प्रेसिपी, यानी उसका घोंसा जब खत्म होता था, उसके आगे बिल्कुल अमूदी, बिल्कुल तीखी चट्टान थी, ठीक है। सो व्हाट ही सेज नेक्स्ट, एंड बिटवीन हिम एंड हिज पेरेंट्स, और अब उसके और उसके वालदैन के दरमियान, देर वॉज अ डीप वाइट कैज, एक गहरी और एक बहुत बड़ी एक कैज घाटी थी, ठीक है। एंड अबव हिम, और उसके ऊपर, ही कुड सी नथिंग, वो कुछ भी नहीं दे सकता था, यानी उसके ऊपर क्या था, सिर्फ
आसमान ही आसमान था। अब बेटा क्या कहता है, देन ही सेज द प्रेसिपिटी वॉज सियर, चट्टान बहुत ज्यादा तीखी थी, अमूदी थी, तीखी कहते हैं बिल्कुल सीधी, एंड द टॉप ऑफ इट, और इसके ऊपर वॉज परहैप्स शायद फार्दर अवे देन द सी बीनीथ हिम, यानी अब कहने का मकसद क्या है, उसके नीचे जितना फासला था उससे कहीं ज्यादा उसके ऊपर फासला था, यानी उसके सर पे और कुछ नहीं, उसे आसमान नजर आ था। सो बेटा आई वॉन्ट इट अप बाय पैराफ्रेजिंग देम, हमें राइटर इस पैराग्राफ में क्या बताता है, अब उसके वो तमाम जो सिचुएशन है वो हमें बता रहा है, यानी अब सुबह का वक्त था, अब सूरज आसमान पे निकल रहा था और बहुत ज़्यादा गर्मी थी, ठीक है, अब उसे गर्मी महसूस होने लगी क्योंकि उसने पिछली रात से कुछ भी नहीं खाया था। अब फिर क्या हुआ, जब उसके पास कुछ ना रहा तो उसने अपने उस घोंसले पे पड़े हुए वो गंदे जो तिनके थे उनको भी खता के चोंच मारी ताकि उसको कुछ खाने से मिल जाए, लेकिन कहता है फिर जब उससे वहां से भी कुछ ना मिला तो उसने वो स्पॉटेड जो एग शेल थे, धब्बेदार अंडे के छिलके थे, उनको भी कुतरना शुरू किया। और राइटर हमें कहता है कि ये बिल्कुल ऐसे ही था जैसे अपने किसी जिस्म के हिस्से को खाया जाए, ठीक है, ये इसके मुतरादिफ था। अब बेटा क्या कहता है, फिर कहता है वो परेशानी के आलम में इधर उधर घूमने लगा, उसकी सुरमई या खाकस्तरी जो जिस्म का रंग था, जो कि उस चट्टान का रंग था, वो अपनी पतली टांगों से कांपते हुए आहिस्ता आहिस्ता से आगे बढ़ता ताकि उसे कोई ऐसा जरिया मिल सके जिसके साथ वो अपने वालदैन के पास पहुंचे बगैर उड़े, ओके। लेकिन कहता है कि उसकी घोंसले के हर एक साइड एक तीखी चट्टान थी, और कहता है और उसके साथ उसके नीचे क्या था, समुन्द्र था, और कहता है उसके और उसके वालदैन के दरम्यान में अब क्या थी, एक बहुत बहुत गहरी घाटी थी, कैज खाई थी, ठीक है, रेवीन भी कहते हैं, कैसन कहते हैं, ठीक है, और कहते हैं उसके ऊपर और कुछ भी नहीं था, महज सिर्फ समुन्दर था, और कहता है कि ये जितनी तीखी घाटी थी उससे कई ज्यादा ऊपर उस आसमान तक उसे नजर आ था कि ऊपर आसमान है। इज दैट क्लियर? इफ बेटा इफ यू हैव एनी कन्फ्यूजन एंड प्रॉब्लम यू मे आस्क मी इन द कमेंट्स, इंशाल्लाह आई विल आंसर यू, एंड नाउ ऑनवर्ड्स वी विल हैव इंशाल्लाह डेली लेक्चर, ओके, कीप गो थ्रू दिस। If you have any difficulty, any ambiguity, you can ask me in the comments. Inshallah, I'll be there to assist you. Thank you, Ji. Allah Hafiz.